हेलो एवरीवन, नेहा संदेश किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन पुलाव। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो आइए बनाते हैं सोयाबीन पुलाव। तो उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम जो है सोयाबीन लिया हुआ है, जिसको मैंने नॉर्मल पानी में भिगो दिया था और करीब आधा घंटा मैंने भिगोया था इसको। इसको हम अच्छे से निचोड़ के इसे निकाल लेंगे। उसी के साथ साथ मैंने ये चावल लिया है, ये एक गिलास चावल लिया है मैंने, ये बासमती राइस है। ये देखिए, मैंने जो सोयाबीन थी उनको अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया, इनका पानी जो था। कुकर में हम ऑयल लेंगे, ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। आप कोई भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे गर्म होने देंगे हम, और जैसे ये गर्म हो जाएगा हमारा जो ऑयल है, हम इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें 10 से 12 जो है काली मिर्च ऐड करेंगे, करीब 4 से 5 लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। और इस मसाले को हम अच्छे से भुनने देंगे तेल में, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए तेल के अंदर। ये देखिए, लौंग को देखिए आप, अच्छे से फूल गई है, ये बिल्कुल ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। इस ऑनियन को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए, ये हमारी प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें सोया चंक्स हम ऐड कर देंगे और इनको अब हम दोनों को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहिए अलट पलट के, ताकि जो हमारी सोया चंक है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, हमारी सोयाबीन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गई है, अच्छी इस पर क्रस्ट आ गया हल्का हल्का, ये देखिए। और हमारी प्याज भी जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च जो है उन्हें काट के ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप पहले मत डालिएगा, नहीं तो जल जाएंगी वो। इस तरीके से चलाइए। अब हम इसमें अपना राइस था उसको ऐड करेंगे, और इस राइस को हमें अच्छी तरीके से चलाते हुए खूब अच्छे तरीके से इसको भूनना है। करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे इसमें, ताकि जो फ्लेवर हैं सारे ऑयल में प्याज के और जो खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से हम इसके अंदर आ जाए। इसी तरीके से चलाते रहिए ताकि ये लगे ना नीचे। अब हम इसमें नमक अपना ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक गिलास चावल था तो हम इसमें 2 गिलास पानी लेंगे, क्योंकि चावल को मैंने भिगोया नहीं था, इसलिए चलाते वक्त ये टूटेगा भी नहीं, और पानी भी इसको नॉर्मल डबल हम पानी डाल देंगे इसमें। और अब कुकर को जो है बंद कर देंगे, और इसमें हम करीब 1 सीटी हम पूरी लगाएंगे और दूसरी सीटी जो है इसमें स्टीम को भर के उसमें छोड़ देंगे। तो उसी में हमारे चावल ना अच्छे से पक जाएंगे। और जब तक हमारा चावल पकेगा तब तक हम ये लेमन का जूस जो है इसे निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। ये 1 लेमन लिया है मैंने, इसके जूस को अच्छे से निकाल लीजिए। आप चाहें तो बीज को पहले भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं डायरेक्ट, मैंने लेकिन बाद में मैंने निकाला है इसमें से बीज जो है। इसी के साथ साथ हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑरेंज फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। फूड कलर से कलर तो आता ही आता है, देखने में भी सुंदर लगता है। इसी के साथ साथ देखिए, हमारे जो राइस थे, जो हमारा पुलाव है, वो बन के तैयार हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसका। अब इसमें हम जो जूस तो बनाया था हमने लेमन का, वो ऊपर से डाल देंगे इसको, और कुकर को हम एक बार दोबारा से बंद कर देंगे, ताकि जो इसकी स्टीम है थोड़ी बहुत उसके अंदर ये अच्छे से फ्लेवर जो है अच्छे से इसमें मिल जाए उसके चावल के अंदर। हमारा पुलाव तैयार है। तो ये देखिए, हमारा सोयाबीन पुलाव बन के तैयार हो चुका है, इसे हम सर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए,
कितना सुंदर है ये देखने में, कलरफुल एकदम। और जो प्याज का जो ये ब्राउन कलर इस पर आया है राइस के ऊपर, उसकी वजह से इसमें जो फ्लेवर है प्याज का वो भी बहुत अच्छे से आया है। तो आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। और इसमें मिर्च भी कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं। आप टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।